रहा था जिसमें दिख रहा था कि एक व्यक्ति एक महिला के साथ जो गंगा नदी में है एक रेप की घटना कारित कर रहा है। बिल्कुल अननोन और ब्लाइंड केस था। थाना प्रभारी बाढ़ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस वीडियो का अनुसंधान किया और उस आदमी को ट्रेस किया जो इस वीडियो में घटना करने में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उसका नाम शिव पूजन महतो है। एक जल गोविंद बाढ़ थाना का रहने वाला है और वो व्यक्ति भी जो इस वीडियो को बनाया है विशाल नाम का उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और वो मोबाइल बरामद कर लिया गया है जिससे वो वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया। पुलिस ने स्वयं इसमें संज्ञान लिया है और 10 घंटे के अंदर अंदर वीडियो के आधार पर इस पूरी घटना को ट्रैक करते हुए उस दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया है और उस महिला को भी ट्रेस कर लिया है जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है और 164 का बयान भी करवाया गया है। इसमें क्योंकि बहुत गंभीर घटना है हम स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द सजा करवाएं। इसने पहले इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया है। इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। महिला ने क्या बताया? महिला के द्वारा बताया गया कि उसके साथ जबरन गलत काम किया गया है। जानते थे एक दूसरे को पहले से जानते थे और जानते थे आस पड़ोस के लोग थे क्या आस पड़ोस के लोग थे तो घटना के बाद शायद भैंसरी भाग गया था बस लेकर ड्राइवर है ना तो शिव पूजन हाँ भाग गया था पर इसको बड़ी मुश्किल से पहले तो ट्रैक नहीं हो रहा था वो आदमी फिर ट्रैक किया गया पर इसमें पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है और ऐसी घटनाओं को निश्चित रूप से उजागर होना एक बड़ी बात है नहीं तो घटना दब जाती है। तो हम जब मछली मारे थे सर तो वहाँ मजा नाक ऊपर हो गए थे तो जब ये आए पूछने से तो वहाँ तब मजा के नीचे चले तो ये आके वक्त चार से तो डाटा है तो वक्त जब चल गए थे मजा नीचे नहा तो भाई ठीक चल रहा हूँ बैंक बोले रहा हूँ वीडियो बना दो पहचानते हो उसको किसको सर महतो को किसको सर नहीं सर इसको जानते हो ना ये जो बोला तुमको पूजन को जानते हो देखे वीडियो बनाए ना तुम गलत किए वायरल किए वायरल जैसे हमको दोस्त था ना सर बहुत गलत नहीं था मोबाइल से वायरल कर तुम्हारा वीडियो में क्लियर है दोस्त का नाम लिखे थे सर वो ना ठीक है जाओ ठीक है जाओ ऊपर से लेके नारा नारा था कैसे कैसे गया था मैंने पहले से नहा रही थी तुम गया डर नहीं लग रहा था तुमको पुलिस का कोई खौफ नहीं था क्या पुलिस का डर नहीं था तुम क्या पहले से जानते थे उसको पहले तो कोई रिश्ता था तुम्हारा उसके साथ नहीं कल बिहार से जाता था वो बताया कैसे किसी को